दोस्तों, मैं सुरेश कुमार अड्डा। आज हम भारतीय संविधान के कुछ क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेते हैं। विधानसभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। संविधानसभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946। संविधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधानसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधानसभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ? 11 दिसंबर 1946। संविधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिणी अफ्रीका। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधानसभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ? 11 दिसंबर 1946। जैसे लगी वीडियो दोस्तों, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।